आज यहां हम आपको जस्टिस जी डी खोसला के बारे में बताना चाहते हैं। जस्टिस जी डी खोसला जो गोडसे के खिलाफ फैसला देने वाले तीन जजों में से एक थे, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बहुत रेलिवेंट नाम आज मैं आपको बता रहा हूं। जस्टिस खोसला जो उन तीन जजों में थे जिन्होंने गोडसे पर फैसला सुनाया था, जिन्होंने ये सुनवाई की थी। जस्टिस ये जो जज हैं, जस्टिस खोसला, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मर्डर ऑफ द महात्मा, और इसके पेज नंबर 234 पर वो लिखते हैं कि जिस दिन गोडसे ने अपना पक्ष अदालत में रखा उस दिन वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए, और अगर अदालत में उपस्थित दर्शकों को जूरी का दर्जा उस दिन दे दिया जाता तो नाथूराम गोडसे को बहुमत के आधार पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से निर्दोष करार दिया जाता। तो सोचिए जिस दिन ये बात इस मामले में फैसला देने वाले एक जज स्वयं कह रहे हैं, यानी उस समय अदालत का दृश्य कुछ इस तरह का था जैसे किसी फिल्म का कोई सीन हो, हिंदी फिल्म का कोई इमोशनल अदालत का सीन हो जिसमें हीरो अपराधी साबित हो जाता है और उसे सजा मिलती है, और तब अदालत में मौजूद दर्शकों की सहानुभूति तब भी नायक के साथ ही होती है। गांधी जी की हत्या के लिए जिन 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें वीर सावरकर का नाम भी था, लेकिन नाथूराम गोडसे ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में इस बात से साफ इनकार किया कि वीर सावरकर की गांधी जी की हत्या में कोई भी भूमिका थी या फिर उन्होंने नाथूराम गोडसे को इसके लिए उकसाने का काम किया। मैं आपको गोडसे के बयान के कुछ अंश आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं, एक पुस्तक में लेकर आया हूं, ये देखिए। गोडसे ने अदालत में जो कहा, क्या कहा, गोडसे कहते हैं, श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा, महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी थे, यहां तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा क्योंकि वो अत्याचारी के पक्ष में थे। यानी कोई राम कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसे मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्यप्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वह छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खां शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उन्हें गलत पथ पर चलने वाला कहते थे, और इस प्रकार वो अपने बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाथूराम गोडसे ने अदालत में कहा था उस समय। फिर नाथूराम गोडसे आगे कहता है, दूसरी तरफ इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वो करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ, और अंत में देश का एक तृतीयांश हाथ से जाता रहा, यानी एक तिहाई हिस्सा देश का हाथ से निकल गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे, वो उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। तो इन मुद्दों को लेकर नाथूराम गोडसे नाराज था महात्मा गांधी से। मैंने गांधी वध क्यों किया इस पुस्तक में से मैं अभी आपको कोट कर रहा हूं, और यह पुस्तक क्या है, नाथूराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिए गए बयानों पर से मुंबई हाईकोर्ट द्वारा 1968 में प्रतिबंध हटा लिया गया था। तो यह पुस्तक में नाथूराम गोडसे ने जो अदालत में बयान दिए महात्मा गांधी को उन्होंने क्यों मारा, इसे लेकर 1968 तक उन बयानों के छापे जाने पर प्रतिबंध रहा, और 1968 के बाद वो बयान छपे और ये पुस्तक उसके बाद छापी गई जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताई। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को हरियाणा के अंबाला में फांसी की सजा हुई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोडसे के वकील से खुद बात की थी
और इसका जिक्र एक और पुस्तक में किया गया है और उस पुस्तक का नाम है Why I Killed the Mahatma और इसे जिस लेखक ने लिखा है उनका नाम है Conrad Elst। इसके पेज नंबर 19 पर लिखा है कि अंबेडकर ने नाथूराम गोडसे के वकील से संपर्क किया था और उनसे कहा कि अगर वो गोडसे की फांसी को उम्र कैद में बदलवाना चाहते हैं तो अंबेडकर इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। बड़ी बात आज आपको हम बता रहे हैं, अंबेडकर ने यह ऑफर दिया कि गोडसे की फांसी की सजा को अगर उम्र कैद में बदलना है तो वो गोडसे के वकील की मदद कर सकते हैं। हालांकि बाद में ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार गोडसे की प्रशंसा भी की थी। इसके अलावा एक और पुस्तक है द मैन हु किल्ड गांधी और इसमें गोडसे के वकील LB भोपाटकर का पक्ष लिखा हुआ है और इसमें यह बताया गया है कि एक दिन डॉक्टर अंबेडकर चुपचाप उनसे मिलने आए और उन्होंने ये बताया कि नेहरू किसी भी तरह वीर सावरकर को गांधी जी की हत्या के लिए दोषी साबित करना चाहते हैं और इसके बारे में सावरकर को पता होना चाहिए। अब देखिए ये कितना बड़ा खुलासा है। डॉक्टर अंबेडकर खुद जा रहे हैं गोडसे के वकील के पास और वो कह रहे हैं कि नेहरू गोडसे की हत्या के लिए वीर सावरकर को फंसाना चाहते हैं और सावरकर को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस किताब में क्या लिखा है देखिए, अकॉर्डिंग टू दी गोडसे फैमिली लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्टेक्टेड नाथूराम्स लॉयर टू कन्वे द मैसेज दैट इफ नाथूराम वुड लाइक हिज सेंटेंस कम्यूटेड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट ही वुड बी एबल टू अरेंज इट बट नाथूराम्स रिप्लाई वॉज प्लीज सी टू इट दैट मर्सी इज नॉट इम्पोज ऑन मी आई वॉन्ट टू शो दैट थ्रू मी गांधी जी इज नॉन वायलेंस इज बींग हैंग्ड। तो डॉक्टर अंबेडकर तो ये कह रहे हैं कि मैं फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन गोडसे ने इनकार कर दिया और गोडसे ने कहा कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे फांसी पर लटकना है और मैं चाहता हूं कि जब मुझे फांसी पर लटकाया जाए तो लोगों को यह लगे कि गांधी जी की अहिंसा को फांसी पर लटकाया गया है। इसके आगे वो लिखते हैं इस किताब में, गोडसेज लॉयर LB भोपाटकर रिवील्ड सेवरल ईयर्स लेटर इन मनोहर मालगोनकर्स द मैन हु किल्ड गांधी दैट डॉक्टर अंबेडकर द लॉ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट एट दैट टाइम मेट हिम सीक्रेटली टू इन्फॉर्म हिम दैट नेहरू वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन इन्वॉल्विंग सावरकर दो देर वॉज नो एविडेंस टू प्रूव सावरकर्स कॉम्प्लिसिटी। ये कितना बड़ा खुलासा है जो इस किताब में किया गया है कि नेहरू चाहते थे कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर को भी फंसा दिया जाए और ये बात उस समय कोई और नहीं बल्कि इस देश का कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर कह रहा है और वो गोडसे के परिवार को ये बात बता रहा है, गोडसे के वकील को ये बात बता रहा है और कह रहा है कि सावरकर तक ये संदेश पहुंचाओ कि सावरकर को सावधान रहना होगा क्योंकि नेहरू सावरकर को फंसाना चाहते हैं महात्मा गांधी की हत्या में।